सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ पेपर नंबर टू. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग. अब हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था लर्निंग होती क्या है, इसकी क्यों जरूरतें होती हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं. अब इसकी टाइप्स कितनी टाइप की होती हैं, इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू द टाइप. टाइप हम किस टाइप की लर्निंग कर रहे हैं, किस टाइप का हम सीख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हो सकते. एस्पेक्ट्स मतलब शरीर के अंगों से संभाग्यता, मानव व्यवहार में सीखने के अलग अलग प्रकार. तो ये सब क्या है, अधिगम के प्रकार हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर. अब इनके बेस पे क्वेश्चन आ गए, सीखने के प्रकारों के हिसाब से कौन कौन सी हो सकती है. फिर आएगा शरीर के अंगों के हिसाब से, और फिर अगला क्वेश्चन बनेगा ये. अब इन तीनों के बेस पे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट पॉइंट के बेस पे, क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो सेकेंड पॉइंट के बेस पे, और क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो अगले पॉइंट के बेस पे है. तो ये हर एक पॉइंट के बेस पे आपको ये पूरा ये क्वेश्चन आ सकता है. इसके कितने प्रकार होते हैं उनकी व्याख्या करो. अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया ना, इसके कितने प्रकार उनकी व्याख्या करो, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे. सेकंड पॉइंट जो है फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है. फिर जो थर्ड पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करोगे, देखो, ठीक है. तो ये इस तरह से हैं क्वेश्चंस. तो लेकिन अभी आपको अलग अलग एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द लर्नर. सीखने की कला से आप क्या समझते हैं. दो तरह से हो सकता है, एनिमल लर्निंग और ह्यूमन. जानवरों की तरह, जानवरों में जैसे व्यवहार में परिवर्तन आता है, जानवरों को अधिगम कहते हैं. जब अगर उनके बिहेवियर में चेंजेस आ गए, डॉग लेके आए हो, फर्स्ट डे उसको नहीं पता था, सेकेंड थर्ड डे उसको पता चल गया, मुझे यहाँ बैठूंगा तब खाना मिलेगा, वहाँ जाऊँगा मॉर्निंग में मुझे वॉक पे ले जाएंगे, तो वो चेंज आ गया उसके बिहेवियर में, ठीक है. तो वो एनिमल लर्निंग होगी. नेक्स्ट इज ह्यूमन. चेंजेस इन ऑकर ह्यूमन बिहेवियर एज लर्निंग बाय ह्यूमन. ह्यूमन लर्निंग इज अ कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट स्टेजेस सच एज इन्फेंट लर्निंग, चाइल्डहुड लर्निंग, एडोलेसेंस. मानव अधिगम में मानव के विकास की अवस्थाओं पर निर्धारित है. अलग अलग अवस्थाओं पर अलग अलग तरह से वो जो है सीखता है, बचपन में, किशोरावस्था में, ठीक है, इस तरह से. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री. एंड वी विल रीड क्वेश्चन नंबर फोर इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, प्लस थैंक यू.